हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? ये देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करने का, तो अब थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिला यानी फुर्सत मिली है, तो झट से मैं आ गई अपने बालकनी गार्डन में ताकि मैं कोई ना कोई किसी ना किसी प्लांट पे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूं। तो उससे पहले ये देखिए सनसेट हो रहा है और ये देखिए मेरे गुलाब, अब देखिए ये मुरझाने पे आए हैं। अब मुझे जो है इनकी डेड हेडिंग कर देनी है अच्छे से ताकि इसमें दोबारा से बर्ड्स आना शुरू हो जाएं। और मैं आपको क्या दिखाऊं, ये देखिए मेरे पिटूनिया के फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। हालांकि मुझे अभी बहुत सारे प्लांट रिपॉट करना है, अभी तक मेरे पास नए रिपॉट्स नहीं आए हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे दिखाऊं ये साल्वियाज, ये भी पिटूनिया, और ये मेरा जेरेनियम आईवी, सब अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन आज मैं किसी विंटर प्लांट के ऊपर आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाली। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अरेका पाम की केयर विंटर्स में कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप अपने अरेका पाम को यूं ही ग्रीन बनाए रख सकते हैं थ्रू आउट द विंटर्स, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा अरेका पाम और ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है। इनफैक्ट ये एक ही प्लांट है मेरे गार्डन में अरेका पाम का, और जब मैंने अपना गार्डन बनाना शुरू किया था इस बालकनी में तब ये उनमें से पहला प्लांट था। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितना बड़ा हो गया है और कितना ग्रीन और लश है। आपको कोई भी इसमें से लीव्स ऐसी नहीं दिखाई देंगी जहाँ पे आपको दिखे कि ये प्लांट की लीव्स ड्राई हो रही है या कोई डिजीज है, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और क्योंकि ये बालकनी है तो मैं आपको दूर से नहीं दिखा पाऊंगी, बस इतने नजदीक से, पीछे सब मेरी चेयर्स रखी हुई हैं, तो इसी तरह आपको मेरा ये प्लांट देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह है, और इधर देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। और विंटर्स में आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो यहीं से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह जो है मैंने अपने पॉट को ये क्या कहते हैं टर्टल वाइन की वाइन से किस तरह पूरे पॉट को मैंने भरा हुआ है। मैंने इसके अंदर दो तीन स्टेम्स ही डाल दी थी बस तोड़ के, मैंने कोई लगाई भी नहीं है। और ये देखिए किस तरह ये पूरा पॉट इसने कवर कर दिया। आपको मैं पीछे से भी दिखाऊं, ये देखिए, और ये देखिए अच्छा लग भी रहा है ना, अच्छी लुक दे रहा है। तो ये मेरा टर्टल वाइन इस पॉट के अंदर क्या कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ मल्च। ये मेरे पॉट की मल्चिंग कर रहा है क्योंकि विंटर्स में जो है एरेका पाम थोड़ा सा क्या कहें डोरमेंसी में चला जाता है, ऐसे ही कह लीजिए, इसकी ज्यादा ग्रोथ होती नहीं है। ये जो है समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ये समर का प्लांट है आप कह लीजिए, विंटर्स में भी अच्छे से रह लेता है। बस आपको थोड़ी सी जो आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी इसी तरह ग्रीन दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा, आप इस तरह अपने प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं ताकि जहां पे जिस जगहों पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिप हो जाते हैं, वहां पे अरेका पाम जो है थोड़ा खराब होने लगता है टेम्परेचर की वजह से। उसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल करता है, डिप करता है, फ्रॉस्ट जहां पे पड़ती है। तो इस तरह आप इसके सॉइल के टॉप लेयर को यूं अगर ढक देंगे, मल्च कर देंगे, तो इस प्लांट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और अच्छे से चलेगा। तो आप इस तरह कोई भी टर्टल वाइन ले लीजिए, बोलीवियन जू ले लीजिए, इस तरह मल्चिंग कर दें। या तो आपके पास राइस हस्क हो, या तो न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए, या तो आप वुड चिप्स डाल दीजिए। और अभी हमने ठंड में तो आजकल हम बहुत मूंगफलियां खा रहे हैं, तो देखिए मैंने भी खाई हैं। इस तरह आप जो है मूंगफलियों के छिलके यानी पीनट्स के जो शेल्स होते हैं, आप इस तरह इनको भी पूरा पॉट इससे ऊपर से कवर कर सकते हैं मल्च करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप अपने पॉट को जो है यानी प्लांट को अच्छे से मल्च कर दीजिए ताकि आपका प्लांट जो है ज्यादा लो टेम्परेचर से या फ्रॉस्ट पड़ने से बचा रहे। दूसरी बात यह है कि आपको इसे ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी। आपके अरेका पाम को वैसे भी ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही अंडर वाटरिंग करनी चाहिए नॉर्मली, बट विंटर्स में आपको इसकी वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी सॉइल जो है आपकी, आप जब फिंगर डाल के देखेंगे सॉइल के अंदर एक इंच तक अंदर, जब इसकी सॉइल आपको पूरी ड्राई लगे, आपकी उंगली पे मिट्टी बिल्कुल भी ना चिपके, इसका मतलब ये है कि इसकी सॉइल ड्राई हो गई, तभी आपको इसकी वाटरिंग करनी है दोबारा। इससे पहले आप इसे वाटरिंग ना करें। अगर ये आउटडोर्स में रखा है तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे बालकनी का सबसे इनर मोस्ट कॉर्नर है, इसमें धूप आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट मेरे इस प्लांट पे बहुत अच्छी पड़ती है। तो इसी वजह से जो ये प्लांट है मेरा अच्छे से चलता है, और इसको जो है पानी डालने की मुझे जरूरत पड़ती है सिर्फ 3-4 दिन में एक बार।
लेकिन अगर आपका प्लांट इंडोर्स रखा हुआ है, लेकिन उसे इंडोर्स भी अगर आप रखें तो इसे ब्राइट लोकेशन पे रखें जहां पे इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। ये शेडेड प्लेस में जहां पे सनलाइट अच्छी नहीं आती है, रोशनी अच्छी नहीं पड़ती, वहां पे अच्छा नहीं चलता। बाहर भी अगर आप इसे रखें तो इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली लोकेशन पे रखिए। ब्राइट यानी डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आप इस प्लांट को अगर रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है जलने लग जाती हैं, पीली पड़ने लग जाती हैं। तो बेस्ट लोकेशन इसके लिए वो है जहां पे इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। तो मेरे प्लांट के लिए ये लोकेशन बिल्कुल बेस्ट है। मैंने इसे इंडोर रखने की भी कोशिश करी लेकिन वहां पे मेरा ये प्लांट अच्छे से नहीं चला, इसकी पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसे वापस से यहीं पे शिफ्ट कर दिया और तब से मेरा प्लांट इसी जगह पे है। मैं इसे यहाँ से नहीं हिलाती क्योंकि इसको जो है ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है और बहुत खुश रहता है मेरा प्लांट। तो इस तरह आपने जो है इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली लोकेशन में रखना है और वाटरिंग इसकी विंटर्स में आपको तभी करनी है जब इसकी सॉइल सूख जाए, तभी आप डालें। मैं तो कहती हूँ आप अगर आउटडोर्स अपने प्लांट को रख रहे हैं तो 3-4 दिन में एक ही बार पानी डालिए, अगर इंडोर्स है अच्छी लोकेशन पे है तो हफ्ते में एक बार पानी डालेंगे तो भी सफिशिएंट होगा। समर्स में आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि तब तो लाइट भी बहुत ब्राइट होती है और पानी भी बहुत जल्दी जल्दी सूखता है, लेकिन विंटर्स में इतनी धूप भी नहीं पड़ती तो इसकी सॉइल इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होती है। और मैं तो अपने प्लांट को मिस्टिंग करते रहती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसे मिस्टिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो पाम अरेका पाम का प्लांट है इसको मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं जो हूँ जब भी इसकी वाटरिंग करती हूँ और दूसरे प्लांट्स को साथ में जब वाटर करती हूँ और मिस्ट करती हूँ, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा ये फाइलोडेंड्रॉन भी साथ में रखा हुआ है और इसे तो मिस्टिंग चाहिए ही चाहिए। तो जब मैं इसे मिस्ट करती हूँ तो मैं अपने अरेका पाम को भी अच्छे से मिस्टिंग कर देती हूँ, तो इससे भी मेरा प्लांट जो है अच्छा रहता है, साफ और क्लीन, यानी क्लीन भी रहता है, इसमें कोई पेस्ट भी नहीं लगते हैं। और वैसे भी मैंने नहीं देखा कि मेरे प्लांट में कभी एफिड्स या मीली बग्स का अटैक हुआ है। जब मैंने इसे इंडोर रखने की कोशिश करी थी तब जो है इसके ऊपर, फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है, अब तो बिल्कुल साफ और हेल्थी है मेरे प्लांट। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे ये लीव्स कनेक्ट होती है वहां पे स्केल्स जैसे कुछ पेस्ट लगना शुरू हो गए थे, तो उनको मैंने नीम ऑयल स्प्रे से या सोप सोल्यूशन से भी बहुत हटाने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हटे। तो इवेंचुअली मुझे जो है अपने हाथ की मदद से ही यानी नेल से थोड़ा उसको खुरच के निकालना पड़ा और वो सारे हट गए। उसके बाद से दोबारा कभी भी मेरे इस प्लांट पे कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके यहाँ आपके अरेका पाम पे किसी भी पेस्ट का अटैक होता है तो एज ए प्रिकॉशन आप हर 15-20 दिन में एक बार जरूर नीम ऑयल स्प्रे से स्प्रे कर दिया करिए या तो सोप सॉल्यूशन से स्प्रे कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए। इसको और भी कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगते। फ्रेंड्स बहुत ही इजी टू केयर फॉर प्लांट है। इसकी हालत तभी ख़राब होती है जब आप इसको अंडर वाटर करते हैं या तो ओवर वाटर करते हैं। जब आप इसको अंडर वाटर करते हैं तभी आपको बताएगा, कैसे बताएगा, इसकी पत्तियाँ जो हैं इस तरह, ये जो है ना इसकी टिप्स यूं ब्राउन होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। मेरी ये पत्तियां इसलिए सूख रही हैं क्योंकि ये जो लीव्स है ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये नीचे से स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से और ये ऊपर वाली सब उसके बाद की नई नई लीव्स हैं। और पहले जब मैं ये प्लांट लाई थी तो इतनी ही हाइट थी इसकी और अब आप इसकी हाइट देखिए कितना बड़ा हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं, ये तो एक नई लीफ है इसकी और ये देखिए अब ये भी स्टिक देखिए कितनी बड़ी और भी अभी ऊपर जाएगी। तो इस तरह ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अंडर वाटरिंग की बात हो गई, आपको मैंने बता दिया क्या इंडिकेशन देता है, उसकी लीव्स के टिप्स जो है इस तरह ड्राई होने लगते हैं। और जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तब क्या होता है, ओवर वाटरिंग करने की वजह से इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, यानी ये जो पत्ते हैं ये पूरी तरह से येलो होने लग जाते हैं, स्टिक भी उसकी येलो होने लगती है। तो इसका मतलब है कि आप इसे ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है और विंटर्स में तो खास तौर पे आप इसको ओवर वाटर बिल्कुल भी ना करें। जितना कम पानी आप इसे देंगे उतना अच्छे से आपका ये अरेका पाम चलेगा। और फर्टिलाइजर की बात करूं तो मैं अपने अरेका पाम को बहुत ही कम फर्टिलाइजर देती हूं, यानी ना के बराबर फर्टिलाइजर देती हूं। कह लीजिए कि मैं जो हूं इसे साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जो हम कहते हैं फरवरी और सितंबर के महीने में इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ करना चाहिए, वो भी मैं नहीं करती। कभी कभार बस
आप कह लीजिए 3-4 महीने में एक बार मैं इसके अंदर 2-3 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ या तो गोबर की खाद, इतना ही। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है इसको कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है इसको DAP की भी कोई जरूरत है, बिल्कुल भी इसको किसी भी ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही कम फर्टिलाइजर डिमांड करता है। आप ज्यादा इसे फर्टिलाइज करेंगे तो शायद उस वजह से भी आपका ये प्लांट खराब हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप इसको ज्यादा फर्टिलाइज ना करें, बस वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये फोलियज वाला प्लांट है तो DAP की तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि इसमें तो कोई फ्लावर्स निकलते हैं नहीं और पत्ते हरे भरे रहने के लिए तो हमें इसे NPK रिच वाला ही फर्टिलाइज़र देना है। तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो NPK का सोल्यूशन बना के डाल सकते हैं, 19-19-19 या 20-20-20 आप इसके सॉइल में भी डालिए उसका सोल्यूशन और उसकी फोलियर स्प्रे भी कर दिया करिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके इस अरेका पाम के लिए। तो बस इतनी ही केयर है इस अरेका पाम की, गर्मियों में बस आपको इसकी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है और इसे डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट से बचा के रखना है। बस इसकी लोकेशन आपके लिए इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट वाली होनी चाहिए, इतनी ही इसकी केयर है और यही इसके केयर टिप्स हैं फ्रेंड्स। तो होप करती हूँ आप भी इसी तरह अपने अरेका पाम का ख्याल रखेंगे, ये केयर टिप्स फॉलो करेंगे और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि अगर आपने मेरी ये टिप्स फॉलो करी हैं उसके बाद आपका अरेका पाम अच्छे से चल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपकी हेल्प कर दी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपने मेरी ये वाली भी वीडियो जो है शुरू से लेके एंड तक देखी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, हेल्पफुल साबित हुई है आपके लिए, तो आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स किसी और प्यारे से प्लांट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।